हेलो नमस्कार, क्या हाल चाल, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप सब बेटर होंगे। दिस इज प्रियंका, योर एजुकेटर, और आप सभी के लिए एक बहुत अच्छा टॉपिक मैं लेकर आई हूँ आज, स्टैटिस्टिक्स का, दैट इज स्क्यूनेस। थोड़ा सा प्रॉब्लम आप लोग को होता है स्टैट्स में, लेकिन अगर वन बाई वन हर एक टॉपिक को अगर आप ध्यान से समझेंगे तो फिर ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि स्टैट्स से बहुत ज़्यादा डीप में क्वेश्चंस नहीं आते हैं। अगर आपने पढ़ा है तो क्वेश्चंस डुएबल होते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि आज मैं आपको स्क्यूनेस क्या होता है वो बताऊंगी, साथ में उसके जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस भी आए हुए हैं वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। वैसे क्वेश्चन जो 2021 और 2022 में आपके एग्जाम्स में पूछे गए थे, पढ़ने के बाद देखिएगा कितने आराम से वो सारे क्वेश्चंस जो है आपके आराम से बन जाते हैं। ठीक है, चलिएगा तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का कॉन्सेप्ट, दैट इज कॉल्ड स्क्यूनेस। आपको और भी जिस टॉपिक में भी आपको चाहिए होगा वीडियो, शॉर्ट वीडियो, वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा तो मैं वो भी प्रोवाइड कर दूंगी आपको। शॉर्ट वीडियो होगा ये हमारा, ठीक है। दिस इज प्रियंका, योर एजुकेटर, और स्टार्ट करते हैं, दैट इज स्क्यूनेस। स्क्यूनेस क्या होता है, व्हाट इज स्क्यूनेस। तो देखिएगा, स्क्यूनेस को समझने से पहले आपको कुछ और चीजों को समझना बहुत जरूरी है। समझना क्या होता है आपको, समझना होता है आपको डिस्ट्रीब्यूशन को, कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। स्टैटिस्टिक्स में जो भी हमारे पास मेजर्स करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारा फॉर्मूलाज होता है, उसमें एक आपका जो मेजरमेंट का तरीका है वो आपका स्क्यूनेस भी है। लेकिन स्क्यूनेस पर आने से पहले मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगी कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो आपका क्या हो, जिसके बारे में मैं अभी आपसे बात कर रही थी, डेट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखिएगा पहले कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे कि यहाँ पर आपको ये शेप दिख रहा होगा, इस शेप को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग बेल शेप कहते हैं, है ना। बेल का घंटी आप लोगों ने देखी होगी ना, बेल बोले तो घंटी, टिन 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 टिन, वही शेप का आपका ये है, इसीलिए इसको हम लोग बेल शेप्ड भी कहते हैं। अगर इस पिक्चर को आप ध्यान से देखोगे तो इसका देखना दोनों तरफ जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है, आपका इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। दोनों तरफ जो है इक्वल पार्ट में आपका जो है ये टेल गया है, इसको हम लोग टेल बोलते हैं। ये जो साइड से आपका निकला हुआ है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, टेल बोलते हैं। इसको इक्वली एक पॉइंट से काटा गया है और दोनों तरफ जो है बिल्कुल बराबर है, ना ज्यादा है ना कम है, यानी यहाँ भी आपका 50% है, यहाँ भी आपका 50% है, मिड पॉइंट से अगर हमारा देखा जाए तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। और ये हमारा जो शेप, ये जो आपका जो ये डिस्ट्रीब्यूशन है, इसको हम लोग और क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं सिमेट्रिकल। ठीक है ना, क्या कहते हैं, सिमेट्रिकल। अब आइएगा स्क्यूनेस के बारे में क्या होता है। जब भी हम लोग कर्व के बारे में बात करते हैं तो कर्व हमारा क्या होता है, या तो सिमेट्रिकल होता है या तो आपका असिमेट्रिकल होता है। अगर सिमेट्रिकल होता है तो इसका मतलब क्या, कि ये आपका जो है बराबर हो गया दोनों तरफ से, ठीक है ना, दोनों तरफ से क्या हो गया कि ये आपका बराबर हो गया। असिमेट्रिकल का मतलब कि आपका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सिमेट्रिकल नहीं है, यानी कि बराबर नहीं है। तो ये कैसा होगा, या तो ये एक तरफ भागेगा या तो इस तरफ भागेगा, और कोई रास्ता है क्या भागने का, और कोई रास्ता तो है नहीं। ये जो मैं दाएं बाएं लेकर जा रही हूँ ना, इसी को हम लोग टेल बोलते हैं। अगर आपसे पूछेगा ना कि टेल किस साइड होता है, तो इसको आप फिर सोचना मत कि अरे टेल क्या होता है, ये पूछ की तरह जो नहीं होता, ये पूछ आपका एक तरफ जा रहा है, ये पूछ एक तरफ जा रहा, तो इसी को हम लोग टेल बोलते हैं। तो स्क्यूनेस किसकी स्टडी करता है, ये असिमेट्रिकल कर्व के बारे में स्टडी करता है। कौन, आपका स्क्यूनेस। स्क्यूनेस जो है आपका जो कर्व है, जो भी आपका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उस डिस्ट्रीब्यूशन में कर्व का शेप आपका कैसा बनना चाहिए, या आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो नेगेटिव डिस्ट्रीब्यूशन है या पॉजिटिव डिस्ट्रीब्यूशन है, ये देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्क्यूनेस का हेल्प लेते हैं। तो आप आइएगा थोड़े से बुक के लैंग्वेज में, बुक का मतलब कि यहाँ पे स्क्यूनेस का मीनिंग क्या है। ठीक है, स्क्यूनेस जो है आपका एक मेजर करता है असिमेट्री डिस्ट्रीब्यूशन, क्या करता है, असिमेट्री डिस्ट्रीब्यूशन। असिमेट्री का मतलब कि जहां पर आपके डिस्ट्रीब्यूशन जो होते हैं वो इक्वल नहीं होते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं असिमेट्री। और जहां पर डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल हो जाएंगे, यानी कि आपका जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हम मैंने अभी आपको बताया था, तो ये कैसा हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा सिमेट्री। देखो मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि ये आपका क्या हो गया, सिमेट्री। तो स्क्यूनेस में क्या होता है, स्क्यूनेस में जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो असिमेट्री होता है, यानी कि उसका टेल जो है वो किसी एक साइड भागेगा, वो बराबर नहीं रहेगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या कहते हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है सिमेट्रिकल का, असिमेट्रिकल का, या तो वो लेफ्ट होता है या तो वो आपका राइट साइड होता है, लेकिन मिरर इमेज नहीं होता, इसको भी आप लोग याद रखना, है ना। मिरर इमेज नहीं होता, या तो लेफ्ट होता या तो राइट, यानी कि आपका लेफ्ट आपका राइट। अच्छा, और डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है आपका स्क्यूनेस का, वो पॉजिटिव भी होता है, वो नेगेटिव भी होता है, और वो आपका जीरो भी होता है। मैम ये जीरो क्या है, हाँ पॉजिटिव नेगेटिव तो हम जानते थे, लेकिन ये जीरो क्या है। तो देखिएगा कुछ बच्चे सिर्फ यही जानते हैं कि स्क्यूनेस में आपका पॉजिटिव और नेगेटिव आता है,
पॉजिटिव और नेगेटिव तो आता ही क्योंकि वो आपका असिमेट्रिकल होता है, लेकिन हम जो स्क्यूनेस में जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं उसमें आपका जीरो स्क्यूनेस भी आता है, यानी एक जगह पे स्क्यूनेस की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी पॉजिटिव, एक जगह पे स्क्यूनेस की वैल्यू आपकी आ गई नेगेटिव, और कभी आपके स्क्यूनेस की वैल्यू जीरो भी आ सकती है। तो ये क्या होगा जब कोई वैल्यू हमारा आता है इस तरीके से, तो क्या होता है? तो देखिएगा, सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो इस कर्व को थोड़ा सा आप लोग ध्यान से कोशिश कीजिएगा समझने की। ये हो गया इस तरीके से, ये ऊपर गया, ऊपर से ये ऐसे नीचे आया, इसको बीच में मैंने बांट दिया, दोनों तरफ क्या हो गया, बराबर हो गया। जब दोनों तरफ आपका बराबर हो जा रहा है तो यहाँ पे क्या कोई सिमेट्रिकल आपको दिख या कोई असिमेट्रिकल दिख रहा है क्या? कोई असिमेट्रिकल तो है नहीं, क्योंकि ये तो बराबर है, सिमेट्रिक है। इसी को हम लोग बोलते हैं कि स्क्यूनेस इज इक्वल टू जीरो, यानी कि ना वो एक तरफ राइट की तरफ भाग रहा, ना वो लेफ्ट की तरफ भाग रहा, वो कहीं नहीं भाग रहा, दोनों तरफ जो है आपके वो आपके बराबर है, तो इसको बोलते हैं s इज इक्वल टू जीरो। दूसरा केस आपका क्या होता है, एक केस में कि आप जब कर्व बना रहे हो तो ये आपका इस तरफ भागा, किस तरफ भागा, ये आपका राइट साइड भागा। जब आपका कर्व राइट साइड भागता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्क्यूनेस इज इक्वल टू पॉजिटिव। ये कैसा स्क्यूनेस है, ये हमारा पॉजिटिव स्क्यूनेस है, ठीक है। उसके बाद एक और सिचुएशन क्या क्रिएट होगा कि आपका जो कर्व होगा वो लेफ्ट की तरफ भागेगा, और जब लेफ्ट की तरफ वो भागेगा, ड्राइंग पर मत जाना, मेरी ड्राइंग खराब है, टीचर मेरे को सी मार्क्स देती थी हमेशा क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक, जो मेरे पुराने बच्चे उनको पता है कि मैम को जो है वो सी मिला है क्लास जो है 6 से लेकर क्लास 10 तक, ठीक है ना। टीचर अच्छी थी, उन्होंने सी दिया मुझे, मैं तो फेल ही कर देती, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये आपका लेफ्ट साइड भाग रहा है ना, तो लेफ्ट साइड भाग रहा है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, नेगेटिव स्क्यूनेस। क्या कहते हैं, नेगेटिव स्क्यूनेस। अब यहां पर क्या रिलेशन होता है, तो इसको अब ध्यान से देखिएगा। अगर आपका भाग रहा है ये लेफ्ट साइड तो ये आपका नेगेटिव हो गया, अगर ये दोनों तरफ बराबर है तो ये क्या हो गया, नॉर्मल, यानी कोई स्क्यूनेस यहां पर है ही नहीं, और अगर ये आपका एक साइड भाग रहा राइट की तरफ तो ये क्या हो गया, आपका पॉजिटिव स्क्यूनेस हो गया। अब इसके जो आते हैं एग्जाम्स में वो फॉर्मूलेज आते हैं, फॉर्मूला मतलब आपको रिलेशन देखना है मीन मीडियन मोड के बीच में क्या रिलेशन है। तो देखो, जब कोई स्क्यूनेस नहीं है, यानी कि एस का वैल्यू क्या है, एस का वैल्यू जीरो है, जीरो का मतलब आपका कि मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड, कि यहां पर तीनों क्या है आपका, तीनों ही बराबर है, जो मीन का वैल्यू वही मीडियन का वैल्यू वही आपका मोड का वैल्यू। पॉजिटिव में क्या होता है, पॉजिटिव में एस का जो आपका आएगा वैल्यू वो किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। तो इस केस में क्या होता है, x ग्रेटर देन m ग्रेटर देन z। मैम ये क्या लिख दिए हो, क्योंकि आपको पता है कि मीन का जो सिंबल होता है वो x बार होता है, मीडियन का सिंबल तो m ही होता है, और मोड का सिंबल z होता है। तो कहीं पर अगर आपको सिंबल दे देगा तो आप कंफ्यूज मत होना, वो मीन मीडियन मोड के बारे में ही आपसे बात कर रहा है। तो पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, x ग्रेटर देन मतलब मीन ग्रेटर देन मीडियन ग्रेटर देन मोड, और वही जब नेगेटिव होगा तो ठीक इसका उल्टा हो जाएगा कि मीन लेस देन मीडियन लेस देन मोड, ठीक है। ये ठीक इसका क्या हो जाएगा, आपका उल्टा, यानी कि x बार लेस देन m लेस देन आपका z। तो ये आपकी चीजें होती हैं। अगर कोई रिलेशन नहीं है तो जीरो हो गया, जीरो मतलब सब बराबर हो गया। अगर पॉजिटिव है तो x ग्रेटर देन यानी कि मीन ग्रेटर देन मीडियन ग्रेटर देन मोड हो गया, और अगर नेगेटिव है तो मीन लेस देन मीडियन लेस देन मोड हो गया, ठीक है। चलिएगा, इसको हम लोग देख लेंगे कि क्या बोलता है। पॉजिटिव स्क्यूनेस का मतलब क्या होता है, मीन ग्रेटर देन मीडियन ग्रेटर देन मोड, इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव स्क्यूनेस। और नेगेटिव में आपका क्या आएगा, मीन लेस देन मीडियन लेस देन मोड, जो अभी मैंने आपको बातें बताई। अब देखिएगा स्क्यूनेस का फॉर्मूला क्या होता है, स्क्यूनेस के जो है आपके तीन मेन फॉर्मूले हैं, ठीक है ना, तीन मेन फॉर्मूले हैं जो कि आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इसका जो इसमें से आपका जो दो फॉर्मूला है वो अकेले कार्ल पियर्सन साहब ने दिया है। कार्ल पियर्सन साहब ने स्क्यूनेस फाउंड आउट करने के लिए दो फॉर्मूला दिया है, कार्ल पियर्सन साहब। एक इसको हम लोग कहते हैं फर्स्ट मेजर, एक को कहते हैं सेकंड मेजर, और एक फॉर्मूला जो है आपका बाउले साहब ने दिया है, क्वार्टाइल पर, जो कि हमारा बेस होता है। किस पर बेस होता है, क्वार्टाइल पर बेस होता है। इसके अलावा एक और फॉर्मूला आता है आपका मोमेंट्स को लेकर, लेकिन मोमेंट्स का जो फॉर्मूला है उतना इंपॉर्टेंट नहीं, अभी तक एग्जाम में देखा नहीं गया। ये तीन फॉर्मूला से आपके अधिकतर जो सवाल है वो पूछे जाते हैं, ठीक है। मैं आपको सॉल्व भी करवाऊंगी तो देखना कैसे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे आराम से। चलिएगा देखिएगा, तो स्क्यूनेस का जो है आपका कार्ल पियर्सन का जो एक फॉर्मूला है, मीन माइनस मोड बाई एच डी,
और एक फॉर्मूला है आपका 3 मीडियन माइनस मीन बाई एचडी। आपको डिपेंड करता है, यहाँ पे न्यूमरिकल अभी तक तो सॉल्व करने आया नहीं है, लेकिन अगर न्यूमरिकल सॉल्व करने आएगा तो भी आप टेंशन मत लेना, वहां पर आपको मीन का वैल्यू गिवन रहेगा, मीडियन का वैल्यू गिवन रहेगा, या फिर आपको जो है स्टैंडर्ड डिविजन का वैल्यू भी गिवन रहेगा। अगर वहां पे मीडियन नहीं गिवन है तो वहां पर आपको मोड का वैल्यू तो गिवन रहेगा ही, कोई एक वैल्यू रहेगा। आपको देखना है क्वेश्चन में कि आपको मी अगर मोड दिया है तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, और अगर मीडियन दिया है तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। मीन तो आपको दोनों केस में और एसडी तो दोनों केस में ही आपको चाहिए। तो ये आपका 2 फॉर्मूला है जो आपका स्क्यूनर साहब ने दिया है। अब बावले साहब ने क्या दिया, बावले साहब ने आपका जो है क्वार्टाइल बाय बेस फॉर्मूला दिया, Q3 plus Q1 minus 2Q2 by Q3 minus Q1। यानी कि क्वार्टाइल है, क्वार्टाइल में आपको पता है कि जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो Q1, Q2 और Q3 तक ही करते हैं। क्वार्टाइल को 4 पार्ट में बांटा जरूर जाता है, लेकिन क्वार्टाइल का जो कैलकुलेशन होता है Q1, Q2 और Q3 का ही कैलकुलेशन किया जाता है। इसलिए यहाँ पे यहाँ फॉर्मूला आपको क्रिएट किया गया है। अब आपको वैल्यू सबका वहां पर दिया रहेगा, तो आपको वैल्यू पुट कर देना है, तो वहां पर देखना है कि आपका आंसर क्या आ रहा है। इस क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर आंसर क्या आया, आपका 0 आया, यानी कि आपका स्क्यूनेस जो है वो कितना आ गया, इस फॉर्मूला के थ्रू आपका 0 आ गया, इसका 0 आ गया, मतलब ये तो असिमेट्रिकल हुआ ही नहीं, ये क्या हो गया आपका सिमेट्रिकल, क्योंकि जब S इज इक्वल टू 0 यानी कि आपका क्या हो गया नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, और स्क्यूनेस जो है आपका वो तो असिमेट्रिकल की स्टडी करता है, लेकिन स्क्यूनेस के अंदर हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था कि 3 तरीके के होते हैं, तो यहाँ पे अगर 0 आ जाएगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, सिमेट्रिक, यानी कि सारा कुछ बराबर है भाई, मीन मीडियन मोड तीनों आपका क्या है इक्वल है। लेकिन यही अगर आपका पॉजिटिव होता तो हम क्या कहते हैं कि मीन ग्रेटर देन मीडियन ग्रेटर देन मोड कहते हैं, और यही अगर आपका नेगेटिव होता तो हम क्या कहते हैं मीन लेस देन मीडियन लेस देन मोड कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया पूरी की पूरी चीजें हो गई। चलिएगा अब हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन देखिएगा कितने इजी क्वेश्चंस आए हैं। बोल रहा कि कौन सा जो है हम लोग को यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, डिग्री ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन किसमें हम लोग जो है लोपेसिटनेस के बारे में बात करते हैं। अरे भैया ये लोपेसिटनेस कौन सी चिड़िया का नाम हो गया, मैम ने तो पढ़ाया नहीं, क्वेश्चन मैम ने सामने ला के रख दिया। कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा एक बार हिंदी में भी तो क्वेश्चन अवेलेबल रहता है, उसको देख लीजिए ना क्या लिखा, एक तरफापन है ना, वो मूवी का याद आ रहा होगा ना कि एक तरफा प्यार की कीमत तुम क्या जानो, ये कोई मूवी है ना शाहरुख खान ने, आप डायलॉग है शाहरुख खान का ना, हाँ ठीक है, तो वही वाली बात है कि यहाँ पे एक तरफापन पूछ रहा है। एक तरफापन का मतलब क्या होता है कि या तो कर्व आपका ऐसे जाएगा और या तो कर्व आपका ऐसे जाएगा, तभी इसको एक तरफा बोलेंगे। तो ये किस में हम लोगों ने पढ़ा, क्या हम लोगों ने सेंट्रल टेंडेंसी में पढ़ा, क्या वेरिएशन में पढ़ा, क्या क्रिटिसिज्म में पढ़ा, क्या नहीं, हम लोगों ने स्क्यूनेस में पढ़ा, इसीलिए स्क्यूनेस जो होगा इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बोल रहे कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का प्रॉपर्टी क्या है, तो मैम नॉर्मल आपने तो स्क्यूनेस पढ़ाया, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ से आ गया, देखिए अभी जो आपने पढ़ा है उसी के बेस पर आपका ये क्वेश्चन बनेगा। बोल रहा कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को याद करो कि जब आपका एस का वैल्यू 0 आएगा यानी कि स्क्यूनेस आपका 0 हो जाता है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर क्या ये सिमेट्रिकल भी होता है और स्क्यूड भी होता है, आप बताओ क्या दोनों पॉसिबल है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जो आपका कर्व का जो टिल्ड होगा वो दोनों तरफ क्या होगा आपका बरोबर होगा ना, लेकिन यहां पर आपको क्या कह रहा है, यहां पर कह रहा है कि स्क्यूड है, स्क्यूड का मतलब असिमेट्रिकल, तो ये तो होगा नहीं, ये तो आंसर होगा ही नहीं क्योंकि आपको प्रॉपर्टीज पूछ रहा है। तो ए जहां है उसको तो पहले काट दो, अब 2 में ही आपको दिमाग लगाना है। उसके बाद क्या ये यूनिमॉडल होता है, क्या ये बेल शेप्ड होता है, ये सिमेट्रिकल होता है, हाँ ये आपका बेल शेप है, मैंने शुरू में ही बताया, ये यूनिमॉडल भी है, तो बी भी आपका बिल्कुल होगा, ठीक है ना, तो बी लेकिन दोनों में दिया गया है। फिर बोल रहा है कि असिम्प्टोटिक टू द एक्स एक्सिस, क्या ये एक्स एक्सिस को टच नहीं करता है। तो देखिएगा अभी तक मैंने आपको जितने भी ग्राफ दिखाए हैं अगर आप थोड़ा सा देखोगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ कहाँ गया ये, तो देखो ये क्या टच कर रहा है, ना ये इसको टच कर रहा है ना ये इसको टच कर रहा है, किसी को ये टच ही नहीं कर रहा है, यानी कि यहाँ पर क्या कह रहा है ये ऑप्शन भी आपका क्या हो जाएगा कि बिल्कुल सही हो जाएगा, सी वाला भी सही है। अब बात कर रहा है इसके पैरामीटर को लेकर, तो आप बताओ कि स्क्यूनेस जब मैंने आपको पढ़ा तो वहां पे मैं आपको एन और पी लेकर आपको क्वेश्चन सॉल्व करवा रही थी, फॉर्मूला मैंने बताया, या मीन या स्टैंडर्ड डिविएशन लेकर मैंने आपको फॉर्मूला बताया। आप बताओ फॉर्मूला याद करो, कार्ल पियर्सन साहब ने क्या फॉर्मूला दिया था, तो कार्ल पियर्सन साहब ने जो फॉर्मूला दिया था वहां पर उन्होंने स्टैंडर्ड डिविएशन और मीन के बारे में बात किया था, यानी कि ये आपका क्या हो जाएगा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का आपका
जो है वो पैरामीटर हो जाएगा। ये एन और पी जो है ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का पैरामीटर होता है, तो डी तो आपका होगा नहीं, तो बी सी ई जो होगा आपका करेक्ट आंसर, दैट इज आपका ऑप्शन नंबर टू। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया है, डिस्ट्रीब्यूशन आपको यहाँ पे दिया, उसका कैरेक्टर दिया, आपको इसको क्या करने के लिए बोल रहा है, मैच करने के लिए, कि नेगेटिवली स्क्यूब क्या होता है, पॉजिटिवली स्क्यूब क्या होता है, बाइनोमियल क्या होता है और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। बाइनोमियल हम लोगों ने नहीं पढ़ा, लेकिन बाकी तीनों हम लोगों ने पढ़ा है, तो ये क्वेश्चन आपका आराम से बनेगा। देखो, एक में दिया आपका कि मीन लेस देन मीडियन लेस देन मोड, और एक में दिया है मीन ग्रेटर देन मीडियन ग्रेटर देन मोड। बहुत ईजी है, इतनी बार मैंने आपको रिपीट कर दिया। तो ग्रेटर देन किस में होता है, आपका मोड पॉजिटिव में होता है, और नेगेटिव में क्या होता है, लेस देन होता है, यानी कि ए का थ्री और बी का फोर। तो ए का थ्री जो है आपका दो जगह पे है, लेकिन बी का फोर एक ही जगह पे, इसलिए ऑप्शन नंबर फोर जो हो गया हमारा करेक्ट आंसर। आगे देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है, सारी चीजें आपकी बराबर होती है, यानी कि मीन इज इक्वल टू मोड आपका हो जाएगा। तो यहाँ पे वन जो होगा आपका डी का वन हो जाएगा, तो डी का वन भी यहाँ पर दिया हुआ है, यानी हर तरीके से मेरा जो है ऑप्शन नंबर फोर जो है ये फुल प्रूफ हो गया। तो इसीलिए फोर्थ जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, दैट विल बी द करेक्ट आंसर। आई होप कि आपका पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा, न्यूमेरिकल से भी आपको समझ में आ गया कि न्यूमेरिकल किस तरीके से आ सकते हैं अगर आपका एमसीक्यू पेपर है तो। बस इतना आप लोग को, नोट्स बहुत अधिक नहीं बनाने, नोट्स तो आपको आधा पेज में पूरा बन जाएगा, समझने पर आपको थोड़ा ज्यादा फोकस करना है। और आई होप कि इसके बाद अब आपको स्क्यूनेस में कभी भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगा। तो चलिए जरा, अगर आपने पहले कभी स्क्यूनेस पढ़ा है, कुछ भी अगर आपने उसके बारे में पढ़ा है, तो मुझे खाली ये बता दीजिए कि स्क्यूनेस को हम लोग डिनोट किससे करते हैं। जैसे कि हमको पता है कि मीन को जो है ना हम लोग डिनोट ऐसे करते हैं, स्टैंडर्ड डिविएशन को हम लोग डिनोट ऐसे करते हैं, ये हम लोगों को पता है, ठीक है, अभी मैंने इस क्लास में आपको बताया भी। अब ये बता दो कि स्क्यूनेस को हम लोग जो है डिनोट कैसे करते हैं, किस सिंबल के थ्रू करते हैं, कमेंट बॉक्स में मेरे को बता दीजिए। और अगर आंसर नहीं आता तो भी बोल दीजिए कि मैम नहीं आता है, लेकिन कोशिश कीजिए कि आंसर देने का, मैं नेक्स्ट क्लास में इसका आंसर आपको जरूर दूंगी। थैंक यू सो मच। और मेरा क्लास यहाँ पर 8 PM पे डेली होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा कि वीडियो में क्या आपको अच्छा लगा और कौन सा टॉपिक पर आपको ऐसे ही पढ़ना है, और साथ में वीडियो को शेयर जरूर कीजिए क्योंकि बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।